अपस्टॉक के ऐप से अपने होल्डिंग्स को कैसे सेल करें। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अपस्टॉक के ऐप में अगर आपको होल्डिंग्स दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको कुछ शेयर्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप उसे कैसे सेल कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में आपको तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है कि आप जो शेयर सेल करोगे, आपको शेयर सेल करने के बाद पैसे विड्रॉ करना होगा, तब जाके ही आपका अकाउंट क्लोज होगा। अगर आप उससे पहले ट्राई करते हो तो आपको उनकी तरफ से एक मेल आएगा, जो कि ऑलरेडी आपको आया होगा तब ये वीडियो आप मेरा देख रहे हो। इस मेल में आपको लिखा हुआ रहेगा कि आप पहले अपने होल्डिंग्स को क्लियर कीजिए, उसके बाद भी हम आपका जाकर अकाउंट क्लोज करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप उसे कैसे सेल कर सकते हैं। सेल करने से पहले मैं आपको बता दूँ, दो पॉइंट और है जो मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। अगर आप उसे स्किप करते हो सकता है आप जो शेयर सेल कर रहे हो उसके बदला आप बाय कर लो और उल्टा आपको कुछ चार्जेस देना पड़ जाए। और शायद आपके मन में एक डाउट और हो कि टिकटॉक्स, मैंने तो कोई शेयर बाय ही नहीं किया, तो ये कैसे आ गया मेरे अकाउंट में? तो ये मैं आपको बता देता हूँ। अपस्टॉक जो है ना, आपके बिहाफ पे कुछ शेयर आपको देता है जब आप अकाउंट ओपन करते हो। आपको शायद याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूँ, जब आप अकाउंट ओपन कर रहे होगे आपको ऊपर में स्टार मार्कर दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर आपको लिखा हुआ हो कि हम आपको कुछ फ्री शेयर्स दे रहे हैं और गोल्ड दे रहे हैं। तो हो सकता है आपको गोल्ड नहीं मिला हो, फ्री शेयर्स मिला हो। तो वही होता है, जब आप अकाउंट क्लोज करते हो तो आपको उनकी तरफ से मेल आता है कि आपके पास कुछ शेयर है, पहले आप उसे क्लियर कीजिए, तब आपका अकाउंट क्लोज होगा। तो बिना किसी देरी के मैं आपको बताता हूँ कि आप अकाउंट कैसे क्लोज कर सकते। सबसे पहले अपने फ़ोन में अपस्टॉक ऐप को ओपन कर लीजिएगा, जो अकाउंट से आप शेयर सेल करना चाहते हैं उसी अकाउंट को। आप जैसे ओपन करोगे आपको नीचे में दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक ऑर्डर, एक पोर्टफोलियो। आपको पोर्टफोलियो पर टैप करना है। आप पोर्टफोलियो पर जैसे टैप करो आपको वहाँ पर दो ऑप्शन और ऊपर में दिखाई देंगे, एक पोजीशन, एक होल्डिंग। शायद आपने जो शेयर सेल नहीं किया, आपको होल्डिंग्स में वही वाले शेयर्स दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको वही वाले शेयर को टैप करना है। और यहाँ पे आपको शेयर का सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आप सेल बटन मत टैप कीजिएगा, पहले आप ऑर्डर डिटेल्स पे टैप कीजिएगा। देखिए, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है आपका जो शेयर है वो BSE में हो, NSE हो, दूसरा एक्सचेंज हो, तो शायद आपका कुछ ऑप्शन गलत ना हो जाए, उससे पहले आप पहले जान लीजिए। देखिए, सबसे ऊपर में आप जैसे देखोगे आपको कॉर्नर में जो आपका शेयर का नाम होगा उसके नीचे दिखाई दे रहा होगा NSE और इक्विटी। EQ मतलब इक्विटी होता है, NSE एक्सचेंज हुआ। उसके बाद नीचे सेल पे टैप कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको क्वांटिटी सिंपल, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, तो आपको घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो आपका यहाँ पे अगर आप सेल करना चाहोगे, अभी रिव्यू पे टैप करोगे तो वो सेल नहीं होगा, और अगर आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वहाँ पे मार्केट प्राइस वो डाल दोगे तो भी आपका वो नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है देखिए मार्केट रेट जितना है आप उसी रेट पे सेल करना चाहते हो, आपको कोई प्रॉफिट वगैरह तो नहीं चाहिए, आपको बस शेयर सेल करना है, तो आप मार्केट पर टैप कर लीजिए, ऐसे भी आपको कुछ पैसा तो आएंगे। आप मार्केट पर जब टैप करोगे, जितना उतना रेट चल रहा होगा, मतलब जितना मार्केट में रेट चल रहा होगा उसी रेट पर वो सेल हो जाएगा, तो आप उसे टाइप कर लीजिए और क्वांटिटी में 1 लिख दीजिएगा। अगर क्वांटिटी में 1 नहीं लिखोगे तो उनको पता कैसे चलेगा आप कितना क्वांटिटी सेल करना चाहते हो? तो अब यही जो मैंने बताया बस सिंपल सही ऑप्शन है, आपको वहाँ ही ध्यान रखना है। और ये काम जो आप करोगे 9:15 से लेकर 3:30 बजे के पहले ही कीजिएगा, जिस दिन शेयर मार्केट ओपन हो। आपको नहीं पता चल रहा कि शेयर मार्केट ओपन है कि नहीं, तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा टुडे शेयर मार्केट ओपन और नॉट, ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आपको एक पिन दिखाई देगा कि आई डोंट हैव पिन और आई हैव ए CDSL पिन, तो आप ये दोनों में से जो ऑप्शन आप टैप करना चाहते हैं, अगर आपके पास पिन है यानी कि Tpin आपके पास है, तो आप Tpin वाला ऑप्शन सबसे ऊपर वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आपके पास Tpin नहीं है तो नीचे जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप वहाँ जैसे ही सेलेक्ट करोगे आपको ईमेल और मैसेज पे एक OTP टाइप का आएगा, 6 डिजिट का पिन होता है, आपको वो एंटर करना है तभी आप शेयर को सेल कर सकते हैं। आप OTP उन्हें दे दीजिएगा, उसके बाद आपको आई हैव ए पिन पे आपको OTP ईमेल पे आ गया होगा, आप उस पे सेलेक्ट करना है और आपको वो CDSL के साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ आपको अपना Tpin यानी कि 6 डिजिट का जो पिन था आपको वो एंटर करना है। तो मैं भी अपना एंटर कर देता हूँ, अगर आपको अभी भी नहीं पता क्या है तो आप यहाँ क्लिक हियर पे टैप कर लीजिएगा, आपका जो न्यू पिन है वो दोबारा जनरेट हो जाएगा। और उसके बाद आपको वेरीफाई पे टैप कर दिया, आप जैसे ही करोगे उसका OTP आएगा। आपको मैं नीचे ट्रांजैक्शन का डिटेल्स दिखाई देता हूँ, देखिए वो जो शेयर था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और कितना क्वांटिटी में सेल कर रहा हूँ वो भी दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो ट्रांजैक्शन डिटेल्स जो है उसे भी चेक कर लीजिएगा, तो आपके मन में होगा ना कि क्या प्रॉब्लम है या शेयर क्यों नहीं सेल हो रहा है, तो आप वो देख लीजिएगा। तो मैं उसके बाद OTP अपना एंटर कर देता हूँ। देखिए, हो सकता है आपको मेरा बकबक बहुत ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका शेयर सेल नहीं होगा, और शेयर सेल नहीं होगा तो अकाउंट तो क्लोज होगा नहीं, तो एक और प्रॉब्लम वाली बात है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन अप्रूव हो गया और मेरा जो वेरिफिकेशन था वो हो गया, अभी वेरीफाई हुआ है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि आप सेल को वो कीजिए, देखिए जैसे ख़त्म होगा उसके बाद वो मुझे एक रिडायरेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए ये बोल रहे हैं कंफर्म ऑर्डर, और आप अगर सेल करना चाहते हो सेम चीज़ आके जो मेरा शेयर है, अब यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन आ चुका है कि अब मैं सेल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहा है, डिलीवरी, ये पोजीशन डिलीवरी होना चाहिए, इंट्राडे तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा आप, मतलब चेंज नहीं कीजिएगा, जैसा मैंने बताया वैसा ही कीजिएगा। अगर आप चेंज करोगे तो आपको फिर पैसा माइनस में जाएगा, सेल पे करोगे तो देखिए मेरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। मैं आपको 2-3 बार रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे उस शेयर का क्वांटिटी टोटल दिखाई दे रहा है, NSE इक्विटी डिलीवरी।
ये आप क्रॉस चेक करने के लिए चेक कर सकते हो कि डिलीवरी में तो आपका है ना, उसके बाद आप जब होल्डिंग्स में देखोगे नेट क्वांटिटी दिखाई दे रहा होगा वो आपको जीरो दिखाई देगा, और पोजीशंस में आपको वही चीज़ माइनस वन में दिखाई देगा। तो अगर आपके मन में होगा तो यार ये तो दोनों जगह अब आ गया, तो ऐसा नहीं है। ये ठीक जिस दिन आप शेयर सेल किए उसके दूसरे दिन 12 बजे के बाद, मतलब रात में 12 बजे के बाद ये आपका दोनों जगह से हट जाएगा, और आपका अवेलेबल टू ट्रेड फंड वाला में आप टैप करोगे तो आपको वहाँ पे जितना बैलेंस था, जितना आप शेयर सेल के उसी के अप्रॉक्स में आपको कुछ पैसा कट के वहाँ पे आ जाएगा, और आपको उस पैसे को विड्रॉ करना है। अब आप ये सोचो कि मैं इसे विड्रॉ कैसे करूँ, तो विड्रॉ करने का भी सिंपल सा स्टेप है, लेकिन विड्रॉ मिनिमम आपको 100 करना पड़ता है, और इसमें तो आपको 33 रुपये है या फिर जितना आपको हुआ होगा, तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा 100। देखिए दूसरे दिन मैं आपको दिखाता हूँ। तो ठीक अगले दिन आप जब अकाउंट को दोबारा ओपन करोगे तो आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में कोई भी शेयर है नहीं। ये आपको उस दिन तो दिखाई देगा, उस दिन रात के 12 बजे तक। अगले दिन जैसा ही होगा आपको वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा, कोई भी शेयर आपको नहीं दिखाई देगा, ना होल्डिंग में ना पोजीशन में। तो इसका मतलब आपका शेयर सेल हो गया, और वो जो कुछ पैसे जो शेयर सेल होकर आपके अकाउंट में आए थे वो आपके फंड्स में क्रेडिट हो गए। तो चलिए मैं आपको फंड्स पे टैप करके दिखाता हूँ। अब जैसे ही फंड पे टैप करोगे, जितना का आपने शेयर सेल किया था कुछ कट जाता है, तो ये दूसरा अकाउंट है मेरा, उसका भी मैंने शेयर सेल किया था, तो 4.77 रुपीज़ बचा हुआ था। तो अगर आप मैं उसे विड्रॉ करना चाहूँगा तो विड्रॉ वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए मैं आपके सामने विड्रॉ करता हूँ। जितना था 4.77 रुपीज़ वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद मैं विड्रॉ पे टैप करता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द विड्रॉ अमाउंट मस्ट बी एटलीस्ट 100, यानी कि मिनिमम 100 रुपीज़ होना चाहिए तभी विड्रॉ होता है। तो अब मुझे क्या करना होगा, इसमें 100 रुपीज़ ऐड करना होगा। हो सकता है आपको लग रहा हो ये बहुत लफड़ा है, तो नहीं, आपको इतना सा तो करना ही होगा तभी आपका अकाउंट होगा। मेरा इसमें कुछ नहीं जाएगा या फिर मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बस मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको मदद मिल सके। तो आप इसमें 100 रुपीज़ ऐड कर लीजिएगा, और सिंपल, जिस दिन आप ऐड करोगे उस दिन विड्रॉ नहीं होगा पैसा, उसके अगले दिन आपको पैसा विड्रॉ करना होगा। तुरंत इसमें कुछ नहीं होता है, प्रॉब्लम बहुत है इसका। तो आप अगले दिन पैसे विड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम होता है कोई भी प्रोसेस में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मुझसे आप बात कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। हो सकता है कभी कभी लेट हो जाए, लेकिन मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप करता हूं। लेकिन अगर आपने ये सारा प्रोसेस कर लिया और आपको नहीं समझ में आ रहा तो अकाउंट कैसे क्लोज करें, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और आप अगर अकाउंट आपका फंड माइनस में है तो उसे आप कैसे जीरो कर सकते हैं, तो इसके लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ इसी के साथ अगली वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।